तक दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है कि नहीं? अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सही से बताना। अब देखो क्वेश्चन क्या था कि 20 केजी ऑफ आइस जो है -15 डिग्री सेल्सियस पे है और तुम्हें कितना हीट चाहिए कि उसे 80 डिग्री के आइस मैंने वाटर पे बदल दो, 80 डिग्री टेम्परेचर वाला आइस बदल। तो सबसे पहले -15 डिग्री सेल्सियस पे जो 20 केजी आइस है उसको इतना हीट चाहिए देंगे कि वो 0 डिग्री पहले आइस पे आए, 0 डिग्री आइस से फिर उसको लेटेंट हीट कैपेसिटी देंगे, 1 केजी के लिए इतना देंगे तो 20 केजी के लिए इतना लेटेंट हीट कैपेसिटी देंगे, तो वो 0 डिग्री के आइस वाटर पे आएगा, फिर 0 डिग्री आइस पे फिर से उसको एम सी डब्ल्यू डेल्टी मैंने 1 डिग्री वाटर के 1 केजी के 1 डिग्री बढ़ाने के लिए सी डब्ल्यू, तो एम केजी के लिए बढ़ाने के एम इंटू सी डब्ल्यू, और टी डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने मैंने 1 डिग्री बढ़ाने के लिए सी डब्ल्यू 1 केजी का, तो एम केजी का एम सी डब्ल्यू इंटू डेल्टी मैंने 80 डिग्री बढ़ाने के लिए इतना इंटू 80। तो समझ में आ रहा है 20 केजी 4. ये देखो 4.184 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये सी डब्ल्यू में ही सब कुछ समझा है छुपा हुआ है, सी आइस में ही सब कुछ छुपा हुआ है। और लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होता है माने 3.33 किलो जूल पर केजी, माने इतना इतना किलो जूल हीट दोगे तो 1 केजी आइस जो है वो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में बदलेगा, इसलिए 20 केजी के लिए इतना। खूब ध्यान से देखो तीन तरह का हीट चाहिए तीन स्टेट में, हर समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना गुलशन, तुमको समझ गुलशन गुल, तो अपने से ट्राई करो ना, अपने से गलत से करो और आंसर लाओ तुम करो। देखो यहाँ सब तो दिया हुआ है, तुम्हें ये सब समझाया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अब उसी का यूज करना है। तो सारा पढ़ाई कब होता है, जब सारे पढ़ाई का क्या मतलब होता है कि तुम उसका यूज कर पाओ। अब देखो चलो एक और करता हूँ, एक और समझाता हूँ बाकी तुम सब चेंज करना। 10 केजी आइस है जो -5 डिग्री सेल्सियस, देखो क्या आइस पे पाएगा -5 डिग्री सेल्सियस पे है और 5 केजी है, इसको मुझे पहले कहाँ ले जाना होगा बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पे ले जाना होगा जहाँ इसके लेटेंट हीट देंगे, ये 5 केजी का है इसे लेटेंट हीट, 1 केजी लेटेंट हीट मतलब कितना होता है, तो 1 केजी आइस को वाटर बदल मिलेंगे 3.55 किलो जूल पर केजी, माने 1 केजी को बदलने के लिए, तो 5 केजी के लिए 5 टाइम्स हो जाएगा तो उतना हीट देंगे, तो ये क्या बदलेगा बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस के बोलो वाटर के फॉर्म में आएगा, माने इसके पार्टिकल्स के बॉन्ड जो रिजिड हो गए थे पास पास में हो गए थे वो टूट जाएगा और 5 केजी वाटर बन गया। अब इसको अब हीट देंगे तो कहाँ पे ले जाके छोड़ना है हमें, सॉरी 10 केजी है, बी नंबर बना रहे हैं, 10 केजी है तो 110 डिग्री सेल्सियस के वेपर में ले जाना है, वाह बहुत काम करना है। अब 0 डिग्री से वाटर से पहले मुझे 100 डिग्री सेल्सियस के किस पे ले जाना होगा बोलो, वाटर पे ले जाना होगा, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे ले जाना होगा, ये 10 केजी जो है अब 100 डिग्री सेल्सियस पे अब बॉयल कर रहा है, अब इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देंगे, हाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो 100 डिग्री से ही 100 डिग्री पे ही रहेगा। तो देखो 1 केजी बॉइलिंग पॉइंट पे 1 केजी वाटर को आइस वेपर में बदलने के लिए हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, 1.996 किलो जूल पर केजी, एकदम बहुत ही कम है 1.99 किलो जूल पर केजी, तो 1 केजी के लिए इतना, तो 10 केजी लेके 10 टाइम्स कर लेना, तो इसको क्या होगा ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर पे बदलेगा। अब देखो टेम्परेचर कितना है इसका, वेपर में बदल गया माने स्टीम में बदल गया, अब इसको लेटेंट हीट दिया तो तुमने वेपर में बदल गया स्टीम में बदल गया, अब यहाँ से तुम्हें हाँ फिर हीट दोगे तो किस पे ले जाना है 100, हाँ 10 डिग्री और बनाना, वेरी गुड अब समझ गया,
10 केजी वाटर वेपर को आप 110 डिग्री वेपर पे ले जाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखो 1 केजी वेपर का टेंपरेचर बढ़ाने के लिए क्या है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, तो 1.99 किलो जूल पर केजी, 1.99 किलो जूल पर केजी, माने 1 केजी स्टीम का टेंपरेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतना चाहिए, तो 10 डिग्री बढ़ाने के लिए 10 गुना चाहिए और 10 केजी का बढ़ाने के लिए इतना चाहिए, बस हो तो गया। इतना हीट दोगे तो 100 डिग्री वाला वेपर 110 वाले वेपर तक, समझ में आ गई हाँ या ना? सोनू है, सोनू समझ में आ रही बेटा? हाँ, अब देखो ये, अब इसके लिए हाँ, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना चाहिए, -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पे ले जाने के लिए, तो कितना चाहिए, 10 केजी आइस इनटू इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है आइस की, तो 2.04 किलो जूल पर केजी। हाँ, एक केजी का 1 डिग्री टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस, और कितना बढ़ाना होगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तो समझ में आ रहा है। तो इतना हीट दोगे तो ये कहाँ आ गया, यहाँ। फिर इसको क्या करना होगा, अब 10 केजी जो ये आइस है इसको कन्वर्ट करना होगा 10 केजी वाटर में 0 डिग्री पे ही। तो इसके लिए कितना है, 10 केजी इनटू लेटेंट हीट कैपेसिटी कितना है, फ्यूज करना होगा, इसको तोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 333.55 केजी किलो जूल पर केजी। 1 केजी का इतना, तो 10 केजी का इतना होगा, तो 0 डिग्री के आइस पे आ गया, 0 डिग्री के वाटर पे आ गया। अब यहाँ से 100 डिग्री के वाटर पे ले जाना होगा, तो इसलिए लिए क्या होगा, 10 केजी इनटू, अब वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी है, तो 4.184 किलो जूल पर केजी, 4.184 किलो जूल पर केजी। अब इस इनटू कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो 100 डिग्री बढ़ाना है। अब 100 डिग्री वाटर पे आ गया, और 100 डिग्री वाटर से लेके अब मुझे क्या करना है, अब इसे 100 डिग्री वेपर में बदलना है, तो 10 केजी इनटू कितना होता है वाटर का, हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है, 1.996 किलो जूल पर केजी, 1.996 किलो जूल पर केजी। तो इससे क्या होगा, ये 10 केजी जो वाटर था 100 डिग्री पे, अब वो 100 डिग्री वेपर पे बदल गया, प्लस अब 10 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ना देना है, तो 10 केजी इनटू ये कितना है इसका दिया है, ये जो लिखा हूँ वही 1.99 किलो जूल पर केजी, 1 डिग्री वेपर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है 10 डिग्री सेल्सियस, ये मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड करोगे यहां से यहां, तो हो जाएगा, सबको सम कर देना है। आया समझ में कि नहीं आया, हाँ या ना? ये सबको सम कर देना है, ये टोटल हीट चाहिए तुम्हें -5 डिग्री सेल्सियस के आइस को कन्वर्ट करके 110 डिग्री सेल्सियस के वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के। पक्का समझ में आ गया? तो आया समझ में पक्का ना? ये जो हाँ, जितना डेफिनेशन दिया था उसको, जितना डेफिनेशन मैं दिया था आपको, सारे डेफिनेशन जो होना चाहिए एकदम क्लियर होने चाहिए, तो वो क्लियर है डेफिनेशन, अगर आपको क्लियर रहेगा ना, डेफिनेशन क्लियर हो रहेगा तो क्या होगा, डेफिनेशन क्लियर रहेगा तब आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं, पहले डेफिनेशन क्लियर करो, पहले हीट कैपेसिटी क्या होती है, पहले हीट क्या होती है बताओ, व्हाट इज हीट, वेरी गुड, हीट का मतलब होता है, हीट मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सप्लाई। जैसे हम हीट देंगे, जैसे एक वस्तु के अंदर हीट कितनी है, जैसे एक, सुनो ध्यान से, एक कप चाय है और एक बाल्टी वाटर है, बताओ हीट किसके अंदर ज्यादा है, कोई बता सकता है, देखो खूब ध्यान से देखो, एक कप चाय है जो 80 डिग्री सेल्सियस पे है,
और एक बाल्टी पानी है जो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, बताओ हीट किसके अंदर ज्यादा है? कोई बता सकता है? एक कप चाय है जो 80 डिग्री सेल्सियस पे है और एक बकेट वाटर है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, अब बताओ कि हीट किसमें ज्यादा है? टी में ज्यादा हीट है। हाँ बताओ और कोई? देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं हीट मीन मतलब कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे बकेट में जा? नहीं मैंने आंसर चाहिए लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो रहा। देखो ध्यान से, इसके लिए क्या करो, देखो इसमें क्या है, इसमें मान लो 10 लाख पार्टिकल्स हैं, तो इसमें क्या है 10 लाख पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसकी तुलना में 10 लाख ही है इसमें और 10 लाख की काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज्यादा है, इसकी तुलना बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 10 करोड़ है, यहाँ 10 अरब है और उनका काइनेटिक एनर्जी इनसे आधा है, इनसे थोड़ा आधा है, लेकिन यहाँ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है ज्यादा है। तो देखो क्या है, हीट का मतलब होता है हीट मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी, माने हर पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो इसमें इसका टोटल का काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो इसका ज्यादा आएगा इसका कम आएगा, माने हाँ एक पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा है, माने मान लो यहाँ तुम 10 भाई हो तो 10 भाई के पास 1-1 लाख रुपया है, लेकिन यहाँ 1 करोड़ भाई है जिनके पास 50,000 रुपया है, तो किसका ज्यादा हो जाएगा बताओ तो बोलो। हाँ ये भाई वाले बकेट वाले का ज्यादा हो जाएगा, भले इनके पास पैसे कम है लेकिन इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए बोलेंगे कि इसमें टेम्परेचर ज्यादा है इसमें टेम्परेचर कम है, लेकिन हीट इसमें ज्यादा है। कैसे? अब इसको मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ। देखो क्या करो कि तुम एक बाल्टी आइस ले लो, ठीक है, एक बाल्टी आइस ले लो या 1 kg ही आइस ले लो, 1 kg आइस ले लो एक खाली बाल्टी में और उसमें 1 कप चाय डाल दो, तुम देखोगे कि ये आइस जो 1 kg आइस है वो अच्छा से पिघल भी नहीं पाएगा, माने उसका जो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था वो हो सकता है कि 1 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा या 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना ही एनर्जी ये देंगे और ये भी अपना खुद एनर्जी कम करके 1 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएंगे, ये जितना एनर्जी देंगे वो उतना ही हीट एनर्जी ये लेगा आइस। नहीं नहीं मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो केवल कप जो एनर्जी दे रहा है ना उसी के चलते ये पिघल गया। अब देखो वही जो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg आइस था उसमें 30 डिग्री वाला पानी डालो, दो ले लो, 1-1 kg का दो बाल्टी ले लो, एक दो बाल्टी ले लो 1 kg आइस, इसमें डालो, इसमें चाय डालो और इसमें क्या डालो, एक बाल्टी जो ये पानी था 30 डिग्री सेल्सियस पे वो डालोगे, तो इसका टेम्परेचर देखोगे कि इसका टेम्परेचर घटके ज्यादा से ज्यादा कितने पे आएगा, तो -10 डिग्री सेल्सियस, मैंने 10 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, इसका भी टेम्परेचर डाउन होगा लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसका भी इसको पिघलाएगा और 10 डिग्री। अब बताओ ये एक ये जो एक बाल्टी और 1 kg आइस 10 डिग्री सेल्सियस पे है और एक बाल्टी और 1 कप चाय मात्र 1 डिग्री सेल्सियस पे है, अब बताओ तुम्हें पता चल गया कि किसके पास हीट ज्यादा था? नहीं आई समझ में? आया कि नहीं आया? हर हाँ नहीं आया। जैसे मान लो हाँ इसमें क्या होगा कि जैसे किसके पास ताकत ज्यादा है, कहीं हम पावर का यूज करेंगे तब पता चलेगा ना कि किसके अंदर हीट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ए देखो हर तुम्हारा चालू है, तुम्हारी मम्मी की साउंड आ रही है, हर माइक्रोफोन ऑफ कर लो, जब बोलना हो तो माइक्रोफोन। हम क्या करेंगे, 2 बकेट ले लेंगे, इसमें 1-1 kg आइस ले लेंगे,
आ गया समझ में, एक के जी आइस इसमें लिया, एक के जी आइस में इसमें एक कप टी डाला और इसमें ऐड किया एक बाल्टी पानी, एक बकेट वाटर जो 30 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 80 डिग्री सेल्सियस पे थी। तो ये जो मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा एक के जी आइस के टेम को, ये ज्यादा से ज्यादा एक कप चाय जो है ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे ले जा सकता है, वो भी 2 डिग्री नहीं, सारा को पिघला ही नहीं पाएगा, मैं ही जानता हूँ। ये ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएगा, लेकिन ये 30 डिग्री जो एक बाल्टी पानी डाल रहे हो ये पूरे को पिघला के और इसका टेम्परेचर पूरे मिक्सर का टेम्परेचर कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। अब हम लोग निकालेंगे, यही निकालने जा रहे हैं। अब बताओ तब तुम्हें पता चलती है कि देखो इसका जो हीट था इसका हीट सेम था, लेकिन अब दोनों को ऐड करने से पता चला कि ये मिक्सर का 2 डिग्री सेल्सियस हीट टेम्परेचर है और इसका मिक्सर का 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ। तब पता चला तुम्हें कि किसके ज्यादा हीट थी, इसका मतलब एक बाल्टी पानी के अंदर ज्यादा हीट थी जिसने आइस का टेम्परेचर को उठा के कहाँ पे ला दिया, 15 डिग्री सेल्सियस पे ला दिया। समझ में आ गई बस, आई कि नहीं आई? हाँ या ना, जबरदस्ती मत बोलना। ये निकिता कब से आई है, ये समझाया था तो, ये समझाया था तो थी, ये देखो ये 20 केजी ऑफ आइस को जो -15 डिग्री सेल्सियस पे है उसको कन्वर्ट करके इतना हीट देना है जो 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे चला जाए। तो देखो इसमें बहुत सारे स्टेप हैं, जो -15 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस होती है, माने कितना हीट दोगे तो आइस का एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस का एक के जी आइस का एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो है 2.04 किलो जूल पर के जी, एक के जी के लिए एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पर के जी पर डिग्री सेल्सियस ऐसा हो, पर के जी ये नीचे रहेगा माने बट्टा में, एक के जी का एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आइस का 2.04। अब देखो 20 के जी आइस का कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 15 डिग्री बढ़ाना है, माने -15 से 0 डिग्री आइस पिलाना है, तो इतना हीट देंगे, कितना हीट चाहिए, तो 20 के जी इंटू इतना इंटू 15, अरे एक के जी का एक डिग्री बढ़ाने के लिए इतना चाहिए तो 15 डिग्री बढ़ाने के लिए इतना चाहिए, तो 20 के जी के लिए कितना चाहिए, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, एक के जी के लिए 15 डिग्री बढ़ाने के लिए इतना, तो 20 के जी के लिए तो 20 टाइम्स, तो इतना हीट दोगे तो 15 डिग्री -15 डिग्री वाला आइस जो है वो 0 डिग्री वाले आइस पे जाएगा। अब क्या करेंगे, अब फिर देखो अब ये 0 डिग्री आइस पे आ गया, 0 डिग्री आइस पे ये 20 केजी जो आ गया है, अब इसको मुझे 0 डिग्री वाटर पे लाना है। तो देखो लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वाटर का आइस का फ्यूजन क्या होता है कि 333.55 किलो जूल पर केजी, समझे ना, माने इतना किलो जूल हीट दोगे तो एक केजी आइस जो है जो 0 डिग्री पे है वो 0 डिग्री वाटर पे बदल जाएगा। तो एक केजी को बदलने के लिए इतना चाहिए, तो 20 केजी को आइस को वाटर में बदलने के लिए इतना चाहिए, तो ये जो है 20 केजी आइस जो 0 डिग्री पे था 20 केजी वाटर में बदल गया। आगे निकिता, हाँ या ना? हाँ। अब देखो यहां से क्या करना है, बस मुझे अब 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे ले जाना है। तब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है कि 4.184 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, माने एक केजी का एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वाटर का एक केजी का इतना चाहिए, तो 80 डिग्री बढ़ाने के लिए तो 80 टाइम चाहिए और 20 केजी का तो इतना, तो ये तीनों तरह के हीट को जोड़ोगे, ये माने कितना हीट चाहिए कि वो -15 से 0 पे आए, फिर 0 आइस से 0 वाटर पे जाए और 0 वाटर से 80 डिग्री के वाटर पे जाए, तो जितना तीनों को सम कर लोगे तो उतना किलो जूल चाहिए। आ गया समझे? दूसरा क्वेश्चन भी मैं बनाया हूँ, 10 केजी ऑफ आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस है, इसको 110 डिग्री सेल्सियस वेपर पे ले जाते हैं। ध्यान से देखना, तो क्या है, पहला मेरा है देखो -5 से 0 डिग्री आइस पे ले जाएंगे, तो देखो 1 केजी के लिए 2.04 केजी पर डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए 5 डिग्री बढ़ाना होगा, तो 5
इंटू 10, तो ये जो होगा माइनस 5 से 0 डिग्री आइस पे आ गया। और फिर 0 डिग्री आइस से किस पे लगना है, 0 डिग्री वाटर पे कन्वर्ट करना है, जो फ्यूजन करना है। तो 1 केजी 0 डिग्री पे आइस को 1 केजी माने 0 डिग्री वाटर पे फ्यूज करने के लिए इतना चाहिए, तो 10 केजी के लिए इतना चाहिए। प्लस अब वाटर आ गया तो इसको पहले 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे ले जाना होगा। तो 1 केजी वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर बनाने के लिए इतना, तो 100 डिग्री टेम्परेचर, देखो 0 से सीधा 100 पे ले जाना है, तो 100 टाइम इंटू 10 माने इतने चाहिए, वो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे आ गया, माने बॉइलिंग पॉइंट पे आया। अब बॉइलिंग पॉइंट से इसको कन्वर्ट करना है वेपर में, माने वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। तो देखो 1 केजी को, देखो यहां 1 केजी को बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर को 96 किलो जूल पर केजी, तो 10 केजी को, 10 केजी वाटर को बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में बदलने के लिए इतना चाहिए। फिर अब देखो वेपर में बदल गया, वो 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में है, अब 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में है तो 100 से 110 लाना है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपराइजेशन को क्या होता है, तो 1.99, यहाँ देखो 1.996 है, यहाँ 1.9। तो 1 केजी स्टीम को 1 डिग्री टेम्परेचर बनाने के लिए 1.99 किलो जूल पर चाहिए पर केजी स्टीम। अब देखो इसमें है 10 केजी, तो 10 गुना, और 10 डिग्री टेम्परेचर बनाना है, 100 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री लाना है, तो इतना ये सारे को सम कर लेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए इतनी हीट की जरूरत है। निकिता समझ में आ गया बेटा? हाँ, तो चलो बाकी तुम कर लोगे, बाकी जो 3 बचा है वो कर लोगे अभी? हाँ या ना? बाकी सब देखो, बाकी सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें, ये मैं तुम्ही से सर्च करवाया हूँ ये सब, ले कि तुम्हें समझ में आए। हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो देखो हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट 1 डिग्री सेल्सियस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और 20 केजी का बॉडी है, माने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और 20 केजी मिला दिए तो क्या हुआ, बॉडी का हीट कैपेसिटी, माने इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के लिए इतना हुआ। अब 15 डिग्री बढ़ाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ 1 केजी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो सब का दिया है, हीट मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, आइस का क्या होता है 2.04 केजी पर किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, माने क्या हुआ कि आइस का 1 डिग्री टेम्परेचर बनाने के लिए, 1 केजी का 1 डिग्री टेम्परेचर बनाने के लिए इतना चाहिए, वाटर का 4.184 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर माने स्टीम का तो 1.99 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन माने, अब लेटेंट हीट वेपराइजेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करने का है, वाटर को वेपर में बदलना है, 1 केजी को वाटर को वेपर में बदलने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया हो तब, बस बॉइल कर रहे हैं उसको, 1 केजी वाटर को इसमें बदलना है तो इतना चाहिए, तो 10 केजी के लिए 10 टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन माने 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है उसको फ्यूज करके क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 केजी के लिए इतना चाहिए, तो जितना केजी है उसको कितना चाहिए। आगे समझ में सब कुछ दिया हुआ है, बस ये 3 तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सब करोगे पोस्ट करोगे। चलो अब कुछ अलग पढ़ा दूँ, ये आ गया है कन्फर्म, बोलो पक्का सबको? चलो मैं दूसरा टेम्परेचर में रिलेशन पढ़ा देता हूँ।